हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्लोबल कंपनी एसेंच्योर की तरफ से। एसेंच्योर हायरिंग कर रहा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट की पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है, सैलरी रेंज क्या रहने वाली, स्किल्स क्या मांगा हुआ है, ठीक है, और किन लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो ये पैन इंडिया हायरिंग हो रही है, वेरियस लोकेशंस के हायरिंग हो रही है, लाइक बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, ठीक है, इन लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्होंने बुलाया हुआ है। 0 to 11 month आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी फ्रेशर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस क्या कह रहे हैं, फ्रेशर्स के लिए ही ये जॉब है, ठीक है। और कितनी सैलरी रेंज रहने वाली है, तो 3,41,000 LPA, ठीक है। तो बीइंग अ फ्रेशर आपकी सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की यदि बात किया जाए तो देखिए एलिजिबिलिटी की मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल स्ट्रीम, ठीक है, मतलब जितना भी आपके ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इन्होंने नोट करके खास तौर से ये बात कही हुई है कि BA, BTech, MA, MTech, MCA, MSc, CS, IT branch, MBA, PG, DBA, DBM candidates are not eligible to apply for this role. तो ये पोस्ट आपकी समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग की नहीं है, ठीक है। भले ही ये आपका IT से रिलेटेड वर्क रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंजीनियर्स को नॉट अलाउड कर रखा है। और बैचलर्स के जितने भी हैं, जैसे BSc है, BCA है, अच्छा BCA को अलाउड किया रखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे देखिए BTech को और MSc IT को यहाँ पे मना कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BWork, BMS सारे को अलाउ कर रखा है। बी एग्रीकल्चर, इसके अलावा BFA वगैरह सब को अलाउड कर रखा है, ठीक है। उसी तरह अगर मास्टर्स की बात करें तो MA, MCom, MFA, MSc एग्रीकल्चरल सब को अलाउड कर रखा है, ठीक है। बस इन्होंने BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc इन लोगों को अलाउ नहीं किया है। इसके अलावा MBA, PG, DBM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की उन्होंने जो बात की वो कहा है कि आपका फुल टाइम होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। भले ही आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी आप डिग्री यहाँ पर लगा रहे हो वो आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यू हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड, तो आपकी जो भी हाइस्ट क्वालिफिकेशन है वो कंसिडर्ड की जाएगी, ठीक है। नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग, तो आपको कुछ भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आपका पेंडिंग वर्क है, बिकॉज इनको इमिजिएटली हायरिंग कर रहे होंगे, इनको इमिजिएट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसलिए तो ये टाइम नहीं दे सकते हैं आपको, ठीक है। यू शुड हैव कम्प्लीटेड योर रेलिवेंट डिग्री, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो शर्तें वगैरह होती वही है, मैं मेन मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। प्रोसेस क्या रहेगा इसका, अप्लाई फॉर जॉब रोल, इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। द असेसमेंट इज शेड्यूल्ड इन टू स्टेजेस एंड मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपके पास एक असिस्टेंट से रिलेटेड मेल आएगा। फिर सेकंड में क्या होगा, असिस्टेंट इज शेड्यूल्ड टू स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम, तो दो स्टेज में आपका असिस्टेंट होगा और उन दोनों को विद इन गिवन टाइम आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मॉक असेसमेंट होगा, यू विल गेट अ 10 मिनट मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट, तो पहले ही प्रैक्टिस असेसमेंट दे रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अ मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, ठीक है। तो ये कहने कि मॉक असेसमेंट इज़ मैंडेटरी, वो आपको करना ज़रूरी है, वो मॉक है वो, लेकिन आपको करना ज़रूरी है। एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, मतलब इनके जो मेन असेसमेंट है उसके लिए आपका जो कंप्यूटर, जो भी सिस्टम है वो सही है, उस ये जो भी आपको असेसमेंट टेस्ट देते हैं उसको करने के लिए सही है, इसलिए ये आपका मॉक असेसमेंट होगा। आपका जो भी सिस्टम, उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इनके कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये आपके लैपटॉप को चेक करने के लिए आपका ये मॉक असेसमेंट करेंगे 10 मिनट्स का, और वो कंपलसरी है, ठीक है। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट, तो ये जो टेस्ट होगा, मॉक असेसमेंट होगा, ये मेन जो असेसमेंट होगा उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, आपको एक आइडिया दे मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या आना है, ठीक है।
असेसमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट होगा पहले, यू विल गेट 50 मिनट टू कंप्लीट द असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। तो जैसे क्लरिकल एग्जाम्स में जैसे जो आते हैं उसी टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5-10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन, यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड अवेट रिजल्ट। तो आपको एग्ज़ाम दे करके वहीं वेट करना है 5-10 मिनट के लिए, आप पानी वानी पी लीजिए, आपका 5-10 मिनट में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या हुआ, आप सेलेक्ट हुए और नहीं सेलेक्ट हुए, ठीक है। टेक्निकल असेसमेंट विल कमेंस इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन, टेक्निकल असेसमेंट इज ऑप्शनल एंड इज नॉट एन एलिमिनेशन ग्राउंड। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसा कि इन्होंने सभी को अलाउड कर रखा है, भले ही आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, तो खास तौर से इन्होंने नॉन टेक्निकल को ही अलाउड कर रखा है, क्योंकि टेक्निकल वालों को तो इन्होंने मना ही कर दिया है। तो जो ये कह रहे हैं कि जो आपका 2 स्टेज में आपका असेसमेंट होगा, तो पहला स्टेज का जब आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हो, जो आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको क्लियर कर लेते हो, तो फिर जो सेकेंड असेसमेंट होगा वो टेक्निकल से रिलेटेड होगा, और वो ऑप्शनल होगा कि आपको उसको करना है या नहीं करना है। तो अगर ये ऑप्शन है तो भी मैं कहती हूँ कि आप कर ही डालो, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें अगर फेल भी हो जाओगे तो आई डोंट थिंक उसमें मैटर होगा, बिकॉज ये वो ऑप्शनल है आपका, ठीक है। असेसमेंट 2 टेक्निकल असेसमेंट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल असेसमेंट इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, इसमें आपको निकाला नहीं जाएगा अगर आप फेल भी हो जाते हो, ठीक है। तो प्रोसेस स्कोर विच विल डिटरमाइन फाइनल सिलेक्शन, यू विल गेट 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चन ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस। फिर आता है स्यूडो कोड, फिर है फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ जानकारी है, कुछ तो बहुत आसान है, जैसे कि एमएस ऑफिस आप कर लोगे, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस आप कर लो, जो बाकी चीज़ें हैं, और ये फंडामेंटल नेटवर्किंग सिक्योरिटी वो भी आप कर लोगे। क्लाउड वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर वो आप नहीं भी कर सकते हो तो नो इशू, बिकॉज ये आपका ऑप्शनल है और ये एलिमिनेटिंग आपका असेसमेंट नहीं है, ठीक है। फिर अब कहा जाता है असेसमेंट 3 कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन चेक करेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट, यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद इन with timeline and login details to participate in this assessment. Communication assessment will assess you on the below mentioned parameters. तो जो आपका assessment होगा communication से related, उसमें क्या check किया जाएगा, sentence mastery, आपका मतलब कैसा sentence आप बोलते हो, vocabulary, fluency, pronunciation, ठीक है, vocabs आपकी अच्छी है, fluency अच्छी है, pronunciation कैसा है, तो ये पूरा कम्युनिकेशन में यही चाल सारी चीज़ें देख जाती है। और फिर इंटरव्यू काफ़ी आसान सा है, जिस हिसाब से ये कंपनी है ग्लोबल कंपनी है, तो काफ़ी आसान चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है असेसमेंट में। और इसके अलावा कोई भी अप्लाई कर सकता है, सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी वेरियस सिटीज़ के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ज़रूर से आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।